आज 9 घंटे से भी ज्यादा सोया हूँ यार। जो मैंने पहले टाइम असाइन करा था उसके हिसाब से तो मैं 2-3 घंटे लेट हूँ। व्लॉग लगा दिया मैंने अपलोड में, मस्त आराम से धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, ये 1 घंटे हो गए हैं इसको। इसी के दौरान जितने भी सुबह के कार्यक्रम होते हैं वो मैंने कर लिए पूरे। सोचा था कि तब तक मैं तो अपलोड हो जाएगा, पर फ्लाइंग बीस्ट की स्टाइल में या मैं रोज कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह आराम से उठूँ, फिर मेडिटेशन और वर्कआउट करके फिर मैं खाना खा के आराम से पढ़ने बैठूँ, पर मेरे को उठने में इतना लेट हो जाता है कि मेरा लंच का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद मेरे को पहले बुक पढ़ना पड़ता है, उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ। तो मतलब आज भी ऐसा ही हुआ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। मेरा लंच हो गया और अब मैं बुक पढ़ने बैठ रहा हूँ अपनी। और आज मेरा अभी यार पहले मेडिटेशन करने का मन हो रहा है, तो मैं पहले करूँगा मेडिटेशन, फिर रीडिंग, फिर एक्सरसाइज। बहुत 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 ज़्यादा लेट हो चुका मैं, इट्स 4:45 हो गया। अरे भाई चलो जल्दी जल्दी बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 1 घंटे बुक पढ़ेंगे। तो मतलब अभी इसमें कितनी प्यारी चीज़ बताई है मार्केट शेयर से रिलेटेड, कि मतलब एक तो होता है मार्केट शेयर, कि मतलब एक मार्केट में कितने कस्टमर कितने कंपनी के पास हैं। दूसरा होता है शेयर ऑफ माइंड, कि मतलब अगर एक कस्टमर से पूछा जाए कि तुम्हारे माइंड में सबसे पहले फ़ोन के बारे में अगर पूछा जाए तो कौन सी ब्रांड आती है, तो वो हो गया शेयर ऑफ माइंड। तीसरा होता है शेयर ऑफ हार्ट, यानी कि अगर किसी से पूछा जाए कि तेरा खरीदने का क्या मन है, कौन से फ़ोन खरीदने का मन है तेरा, तो वो जवाब दे ये प्रोडक्ट। तो सिर्फ मार्केट का शेयर नहीं होता है, शेयर ऑफ माइंड और शेयर ऑफ हार्ट भी होता है। और इसमें बोला है कि जो भी कंपनी माइंड शेयर और हार्ट शेयर इंक्रीज करते जा रही है धीरे धीरे, वो इन फ्यूचर प्रॉफिट और अपना मार्केट शेयर भी ग्रो कर लेगी इजीली। तो 10th चैप्टर भी कंप्लीट, तो चलो शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। So I'll be तो नहाना धोना हो गया वर्कआउट के बाद, और अब मैं डिजिटल मार्केटिंग के काम पे आ रहा हूँ मेरे, और आज मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूँ इस पर, एंड आई होप वो काम हो जाए। अगर हो जाएगा तो मैं इसी व्लॉग में बताता हूँ, और अगर नहीं होता है तो मैं अगले व्लॉग में बताता हूँ। चल बाय ब्रो। तो अभी मेरा एक दोस्त आ गया था मेरे घर में, और वो मेरे को इंसिस्ट कर रहा है यार जिम चलने के लिए। मेरा भी जिम जाने का बहुत ज़्यादा मन है, पर यार अगर मैंने जिम जाना स्टार्ट करा ना तो दिन के 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए, और शरीर टूटता है वो अलग। यहाँ पे जैसे ही मैं वर्कआउट कर लेता हूँ मेरा आधे घंटे में मेरा पूरा वर्कआउट हो जाता है, और बहुत प्यार से फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करता हूँ मैं यहाँ पे। पर अगर जिम जाऊँगा तो शरीर टूट रहा है मेरा अलग, आना जाना वहाँ पे वर्कआउट करना, मशीन खाली नहीं है उसके लिए वेट करना, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, और जैसे मेरा डिसिप्लिन चल रहा है उसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। पर देखता हूँ यार, मतलब जिम का मन तो बहुत ज़्यादा है मेरा, पर यार अगर बॉडी बनानी है तो बॉडी तो जिम में ही बनती है। यार अब डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते जा रही हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और आज मेरे को ऐसा कुछ करना था कि मेरे को खरीदना था कुछ, उसको खरीदने के लिए मैंने अल्टरनेटिव्स को देखने के लिए 1 घंटे ज़्यादा निकाल दिए, तो आज का पूरा स्टार्टअप का टाइम तो गया। अब डायरेक्ट अपन ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ने वाले हैं। मैं स्टार्ट तो करने वाला था पर मैं वापस उसी काम में लग गया, मैंने फाइनली जो मेरे को खरीदना था वो मैंने खरीद लिया। चलो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या खरीदा है। खरीदा है खुद के नाम का डोमेन, क्योंकि अब के हमारे डिजिटल मार्केटिंग असाइनमेंट में हमें खुद की वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए डोमेन नेम और वेब होस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं उसी में लगा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे सस्ती मिलती है, क्या है कैसा है, क्योंकि 1-2 दिन के लिए नहीं है, पूरे साल भर के लिए मैं खरीद रहा हूँ, तो इसको आई थिंक कि 1-2 घंटा देना तो बहुत बनता है यार। और मैं कुछ अपने पिछले क्लिप में बता इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि मैं आज खरीद पाऊंगा कि नहीं। और एक डोमेन रीसेलिंग का भी बिजनेस होता है जो कुछ डिजिटल मार्केटर करते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम ये वाला डोमेन खरीदने वाले हो तो वो तुमसे पहले खरीद लेते हैं और उसके बाद तुम्हें महंगे में बेचते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि यार जब खरीद लूँ मैं एकदम श्योर हो जाऊँ कि खरीद लिया मैंने, उसके बाद मैं डिस्क्लोज करता हूँ, मतलब एकदम 0.1%। मतलब वैसे भी मेरी कोई वीडियोज देखता नहीं है, पर 0.01% चांसेस थे कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और इसके बाद मैं लपक डिस्ट्रैक्ट हो गया, समय रहने के स्ट्रीम में रेड नाइट चल रही थी तो वो मैं देखने लगा, और ये बहुत ही क्रेजी चीज़ है यार, मतलब अगर तुम फ्री हो तो 20-25 आधे घंटे के लिए देख सकते हो ये चीज़। उन लोग क्या करते हैं जो छोटे मोटे यूट्यूब के चैनल होते हैं उन पे रेड मारते हैं, यानी कि अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं कि उनके चैट में जाके कमेंट करो कि समय रहना रेड ये सब जो भी, फिर उसके बाद उनको जो भी उनके पास टैलेंट होता है वो उनको करके दिखाना पड़ता है। और ये एक बंदा, ये एक क्रिएटर है, इसके चैनल में इन दोनों ने रेड मारा था, और यार इसका टैलेंट देखो, मतलब क्या क्रेजी बीट बॉक्सिंग करता है ये। ना 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 ना
इसने बहुत ही ज्यादा क्रेजी बीट बॉक्सिंग करी, पर उसके बाद मालूम पड़ा कि पाकिस्तान से है इसलिए इसको नॉमिनेट नहीं करा जा सकता है। सैड यार। इसके बाद ये देखो तन्मय भट्ट, इसके बाद तन्मय भट्ट भी एक बार बीट बॉक्सिंग ट्राई करता है, वो मैं दिखाता हूँ। सवा एक बज गए रात के और अब टाइम है कि रैप अप करते हैं। और ये वाली जो फोटो थी इसको मैंने थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करा था, पर अभी सारे फिल्टर्स हटा दिए मैंने इसमें से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो गाइज। एंड यार जनरली जो टाइटल मैंने रखा है उसमें सच में कोई तुम्हारी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताओ कि मैं जिम स्टार्ट करूँ कि ना करूँ यार। क्योंकि अगर मैं जिम स्टार्ट करूँगा तो फॉर श्योर बहुत अच्छे अच्छी क्लिप आने वाली हूँ उसके बाद मेरे व्लॉग में, पर उससे मेरा थोड़ा बहुत डिसिप्लिन का नुकसान होगा, मेरे को टाइम कम मिलेगा मेरे इन सब कामों के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, तुम देख ही पा रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि मैं ज्वाइन करूँ कि ना करूँ। Thank you so much for watching.